सो गाइस वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन बैकबेंचर्स स्टडी हब। और आज के इस लेक्चर में हम डीएसी सर्किट्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डीएसी सर्किट्स है उसको स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे डीएसी सर्किट्स हैं जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैं, उनमें जो कौन कौन से सर्किट्स हैं जनरली जिनका जो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, सो डोंट पैनिक अबाउट दीज सर्किट्स। सो सबसे पहले हम डीएसी सर्किट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जनरली जो डीएसी सर्किट है वो हम चार टाइप के जो डीएसी सर्किट्स हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डीएसी सर्किट है दैट इज द डिकोडर बेस्ड डीएसी सर्किट। सेकेंड वन इज बाइनरी वेटेड, एंड थर्ड वन इज थर्मोमीटर कॉइल, एंड फोर्थ इज हाइब्रिड टाइप। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम प्रोसीड करेंगे। तो आज की लेक्चर है उसमें डिकोडर बेस्ड है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो डिकोडर बेस्ड सर्किट है, तो एक एग्जांपल है उसकी हेल्प से लेने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहां पे आपको n इक्वल टू 3 यूज कर रहे हैं, इसको बोला v1 v2 v3। ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। ठीक है, ये आपको है आउटपुट। जनरली आप जब डिकोडर सर्किट पढ़े होंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में SOP, ठीक है, जो SOP है, जो एनकोडर डिकोडर पड़ा है, तो वहां पे आपने यूज किया होगा SOP का। ठीक है, और SOP जो प्रोडक्ट का मतलब होता है एंड ऑपरेशन, और सम का मतलब होता है और ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम ट्राई करते हैं कि जो आउटपुट है अपने को 1 मिले। यहाँ पे हम क्या ट्राई करते हैं कि आउटपुट है वो 1 मिले। ठीक है, और यहाँ पे SOP की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब जब तीन नंबर्स का हमें प्रोडक्ट 1 चाहिए, ऑब्वियस बात है कि तीनों के तीनों क्या चाहिए आपको, हाई चाहिए। लेकिन यहाँ पे तीनों हाई नहीं है, लो है, तो ऑब्वियस, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें, आप उनका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका होगा B1 B2 B3 तीनों का बार, B1 बार B2 बार B3 बार, दैट्स इक्वल टू 1। यहाँ पे करोगे आप B1 बार B2 बार एंड B3 दैट इक्वल टू 1। यहाँ पे करोगे B1 B2 B3 और यहाँ पे B1 और B3 का क्या रहेगा आपका बार। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जो प्रोसेड है किस तरह से आपको उसको प्रोसेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपके डाउट्स हैं उन पर भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 दैट इक्वल्स टू 8 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मेरे को क्या है, डिजिटल इनपुट्स नंबर्स, इनका मुझे एनालॉग सिग्नल है उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे लेना चाहिए वो कॉम्बिनेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे आपका V रेफरेंस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 8 रेजिस्टेंस है और हर एक की वैल्यू है वो R है, इसकी भी वैल्यू R है, इसकी भी वैल्यू R है, इसकी भी R। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की बात करूं, सॉरी इसमें पहले करंट की बात करें, तो जो करंट की वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू कितनी होगी, V रेफरेंस माइनस 0/8R, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो I इक्वल टू V रेफरेंस अपॉन 8R, और हर एक के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपको कितना लगेगा, इसको R से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, R से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो V इक्वल टू कितना जाएगा, V रेफरेंस अपॉन 8R। ठीक है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो 0 वोल्टेज है, यहाँ का V reference upon 8, यहाँ का 2 V reference upon 8, और यहाँ की बात करूं, यहाँ की 4 5 6 7 V reference upon 8। ठीक, अब बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट ये आ रहा होगा कि सर जो भी आपने डिकोडर लिखा तो इसकी जरूरत क्या है, इसको क्यों ही लिखूं, मुझे इसकी मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि मुझे ज्ञान मिला कहीं से कि हाँ कि बेटा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, इसकी अप्रोच कहां से है? उस अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डिजिटल स्विच का। डिजिटल स्विच क्या होता है, मान लीजिए आपका 0 है, 0 का मतलब क्या हो गया आपका स्विच ऑफ है, और 1 है तो उसका मतलब आपका स्विच ऑन है। तो वो इस अप्रोच को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 0 0 1 तीनों इनपुट्स है, मतलब कि तीनों इनपुट्स है, अब इससे हमें आउटपुट क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, यहां से, ठीक है,
यहां से सर्किट निकाला और यहां पे हमने एक बफर था, ये आपका बफर हो गया। और बफर के बारे में आप जानते हो कि ये जो बफर है उसका गेन होता है वन, गेन कितना होता है इसका वन, और एक स्पेशल केस ऑफ इन्वर्ट वो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का स्पेशल केस है। और जो लास्ट लेक्चर है उसमें जब मैंने एम्पलीफायर आपको ब्रश अप करवाए थे तो वहां पे मैंने बताया था कि इसका जो वी आउटपुट होता है वो डेट इक्वल्स टू वन प्लस आर एफ अपॉन, यहाँ पे जो आपका आर एफ होता है और यहाँ पे आर इन इनटू वी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, जो आर एफ है इसको जो इसका गेन वन करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो आर एफ है इसको जीरो कर दो, या आर इन्फिनिटी है उसको इन्फिनिटी, आर इन है उसको इन्फिनिटी ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल स्विच है उनका यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि तीन डिजिटल स्विच, ये सिंपल है स्विच का, ठीक है। यहाँ पे बी थ्री बी टू एंड बी वन, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट ऑपरेशन है, मतलब कि एंड ऑपरेशन है, तो सीरीज में आपको देखने को मिलेगा बी थ्री बी टू बी वन बार, ठीक है। अब तीनों का बार लगा दिया यहाँ पे तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, जीरो वोल्टेज, ठीक है। अब जब हमें B1, B2 बार एंड B3 चाहिए, ठीक है, तो इस केस में क्या किया, यहां से मैंने क्या किया B3 को उठाया और उसको यहाँ पे रिप्लेस किया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात करूं यहाँ थर्ड वाले के बी वन बार बी टू बी थ्री, बी वन बार बी टू बी थ्री, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बी वन बार बी टू बी थ्री, बी थ्री बी टू और बी वन बार, इसके बाद आएगा बी वन बी टू बी थ्री बार, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे प्रोसीड हो रहा है, कि हर एक जो इनपुट है डिजिटल नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग आप वोल्टेज गेन कर रहे हो, किसके किसकी हेल्प से, डिजिटल स्विच की हेल्प से, ठीक है। अब डिजिटल स्विच कैसे काम करता है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे ही देता हूं। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। डिजिटल स्विच आपका क्या होता है, जनरली ट्रांजिस्टर आपका एम्पलीफायर और स्विच दोनों की तरह यूज करता है। जब स्विच की तरह यूज करता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें तीन आपको रीजन देखने को मिलेंगे, एक एक्टिव रीजन होता है, एक कट ऑफ रीजन होता है और एक सैचुरेशन रीजन होता है। जब एक्टिव रीजन का मतलब है आपका, तो एक्टिव की क्या नहीं, सैचुरेशन का मतलब है आपका सिस्टम ऑन है, और जब कट ऑफ है उसका मतलब है सिस्टम ऑफ है, यही दो मीनिंग है उसमें, ठीक है। यदि ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, यहां पे ये जो है ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये आपका बन गया वीबी, वीबी जनरली होता है 0.7 वोल्टेज, इसको मैं सिग्नल दे रहा हूं डिजिटल सिग्नल, ठीक है, यहां पे जीरो और यहां पे 5 मान लीजिए 5 वोल्टेज, ठीक है। तो जब ये जीरो वोल्टेज होगा आपका तो इसमें कोई आईबी करंट होगी क्या, इसमें जो करंट होगी आईबी, आईबी कितनी हो जाएगी, इवन जब जीरो वोल्टेज आपका इनपुट है तो आपकी जो आईबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आईबी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और यू नो दैट एक रिलेशन है आईसी इक्वल टू बीटा डीसी इनटू आईबी, ये हमेशा होल्ड करता है, ठीक है। आप आईबी आपका जीरो है तो आपका आईसी है वो जीरो हो जाएगा, तो इस सर्किट की बात की मत करो, मतलब कुल मिला के सिस्टम आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। अब जो मान लीजिए जब मैं ये 5 वोल्टेज इसको इनपुट मिला तो यहां पे जो आईबी की वैल्यू है वो मेरी 5 - 0.7/RV, ठीक है। तो आईबी को जो टोटल कंट्रोलिंग फैक्टर है, जो आईबी को कंट्रोल करने वाला फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका आरबी है। यहां पे जो आरबी की जो वैल्यूज होती है वो हंड्रेड्स ऑफ किलो ओम्स होती है, ठीक है, लेकिन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एज्यूमेट 1 किलो ओम, ठीक है। 1 किलो ओम जैसे पुट करोगे तो यहां पे आईबी की जो वैल्यू आएगी, आईबी दैट विल बिकम्स टू 4.3 मिली एंपियर, ठीक है। यहां पे सपोज दैट बीटा डीसी की वैल्यू आपकी 100 है, ठीक है, तो यहां से आईसी की वैल्यू कितनी आएगी, 430 मिली एंपियर। अब लिशन गाइस कि यहां पे जो ये स्विच है, इस स्विच को ऑन होना है, ठीक है। अब यदि आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है तो वहां पे स्विचेज बहुत ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं, तो जब भी कोई स्विच ऑन हो रहा है डैट मींस उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज अक्रॉस स्विच, वोल्टेज अक्रॉस ऑन स्विच
वो होता आपका जीरो वोल्टेज। ठीक है, अब जीरो वोल्टेज यदि मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, इस वाले पार्ट की, यहां पे एक रेजिस्टेंस होगा आरसी और यहां पे एक सोर्स होगा बीसी। ठीक है, मान लीजिए वीसीसी आपका कितना है 20 वोल्टेज है, ये आपका 20 वोल्टेज है, तो कुल मिला के 20 का 20 वोल्टेज है वो यहाँ पे आपका ड्रॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज आपका नहीं आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आरसी की जो वैल्यू होगी, आरसी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 20 वोल्टेज अपॉन यहाँ पे जो वैल्यू कितनी आएगी करंट की 438 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे आप आरसी की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि एक डिजिटल स्विच है वो कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर का ही कॉन्सेप्ट लगता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट को डिकोड किया कॉम्बिनेशन सर्किट की हेल्प से, जो पहले हमने कॉम्बिनेशन सर्किट था वो कॉम्बिनेशन सर्किट का एग्जांपल था, तो वो इनपुट को डिकोड किया कॉम्बिनेशन सर्किट की हेल्प से और हमें एनालॉग गेन, यहाँ पे जो रीडिंग्स आ रही है वो आपकी क्या है एनालॉग रीडिंग्स है, वोल्टेज है उसकी रीडिंग्स आपको मिल रही है। ठीक है, उसकी हेल्प से आप इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, और या फिर मैं बोलने की कोशिश करूं एनालॉग डिजिटल कर्व आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं बाइनरी वेटेड कन्वर्टर की ओर, छोटा सा है इसको भी समझ लेते हैं, बाइनरी वेटेड कन्वर्टर। ठीक है, बाइनरी वेटेड कन्वर्टर, यार आपका जो बाइनरी वेटेड कन्वर्टर है वो भी तीन पार्ट्स है, उसमें डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज द बाइनरी वेटेड रजिस्टर कन्वर्टर, बाइनरी वेटेड कन्वर्टर। ठीक है, बाइनरी वेटेड रजिस्टर कन्वर्टर है, आज इसी की बात करेंगे। दो पार्ट और हैं, सेकेंड वन इज नोन एज रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस रेशियो लैडर सर्किट एंड थर्ड वन इज द आर2आर लैडर सर्किट। तो आज हम इसी की बात करेंगे, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाइनरी वेटेड रेजिस्टेंस जो रजिस्टर कन्वर्टर है उसका सर्किट है वो हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर आपका एक एम्पलीफायर है, ठीक है, यहां पे ये गेन है, सॉरी फीडबैक, और यहां पे यानी क्वेश्चन फोर, मतलब कि फोर बिट कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पे आपका वी रेफरेंस है, ठीक है, वी रेफरेंस आपका, यहां पे आपके डिजिटल सर्किट है, डिजिटल स्विच। ठीक है, यहां पे आर टू आर फोर आर एट आर, ठीक है ना, सॉरी टू आर का कॉम्बिनेशन लेते हैं 16। ठीक है, ये सर्किट आपको समझ में आ गया। अब इस ये जो डिजिटल जो बाइनरी वेटेड रजिस्टर कन्वर्टर है उसकी हेल्प से हम डिजिटल जो आपको इनपुट्स होंगे उनको हम वोल्टेज है उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस आपको पता ही हैं, मान लीजिए V1 V2 V3 V4, पहले 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ऐसे खेलते जाओगे। ठीक है, आप लिख लोगे, आपको इतना मुझे पता है। लेकिन यहां पे देखो थोड़ा जो अपन कैलकुलेशंस करते हैं, यहां का वोल्टेज कितना है 0 वोल्टेज। ठीक है, तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा बोलो ना बेटा, बताया ना यार लास्ट लेक्चर में, इतना क्यों सोच रहे हो, जीरो वोल्टेज, अप्रोक्सीमेटली जीरो वोल्टेज। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल ग्राउंड है उसकी हेल्प से मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ का वोल्टेज जीरो है, यहां से मान लीजिए इसमें जो करंट है, करंट की ऑब्वियस बात है ये हाई वोल्टेज होगा, ये लो वोल्टेज है, करंट की डायरेक्शन ये अज्यूम कर ली। ठीक है, तो यहां से I1 होगा, यहां से I2 होगा, यहां से I3 होगा, यहां से I4 करंट आ रहा होगा। ठीक है, यदि I1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कराओगे तो 0 - V reference / 2R, या फिर बोलो तो V reference / 2R डाउनवर्ड डायरेक्शन में। I2 की वैल्यू भी बता दो, I3 की बता दो, और I4 की भी वैल्यू आप सटाक सटाक बता दो बेटा। तो ये V reference / 4R, V reference / 8R, एंड यहाँ पे V reference / 16R, ये आपको मिला। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे बेटा जी, क्योंकि आगे काम में आएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मान लीजिए यहां से IF करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहां से IF करंट फ्लो हो रहा है और यहां से इसको IS सम करंट बोल दिया, तो IF और IS में क्या रिलेशन आएगा, IF इक्वल्स टू IS, कैसे? इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम में होता है। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम में है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 60 माइक्रो वोल्टेज, सॉरी
ये 60 माइक्रो वोल्टेज आया ना, तो आप 60 माइक्रो वोल्टेज अपॉन 2 मेगा ओम है उसको डिवाइड करोगे तो 30 पिको एम्पियर, बहुत माइन्यूट करंट है, दैट्स इक्वल टू जो टोटल की टोटल करंट है वो IF के इक्वल करंट होगी, ठीक है। यहां से आपको IF करंट मिल जाएगी, यहां से RF की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। तो यहां पे जीरो वोल्टेज है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो ऑब्वियस बात है यहां का जो वोल्टेज होगा वो हायर होगा, मतलब कि इसकी इससे ज्यादा पोलारिटी होगी, इस वाले की पोलारिटी वो इससे ज्यादा होगी। तो आई एफ है उसको मैंने क्या लिख दिया, वी एफ अपॉन आर एफ, और आई एफ इंटू आर एफ इक्वल टू आपका बन गया वी एफ, ठीक है, वी एफ बन गया। और यहां से जो आई एफ की वैल्यू होगी, आई एफ की वैल्यू क्या होगी, सॉरी आई एस, IF की वैल्यू है वो IS के इक्वल है, और IS की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। मैं इन करंट्स को एक बार दोबारा लिखना चाहूंगा क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देना जा रहा हूं। तो I1 को V रेफरेंस अपॉन 2R प्लस V रेफरेंस अपॉन 4R प्लस V रेफरेंस अपॉन 8R प्लस V रेफरेंस अपॉन 16R, ठीक है। यदि मैं यहां पे वैल्यूज पुट कर दूं, B1, B2, B3, B4, ठीक है। तो B1 का मतलब जब आप इसकी वैल्यू जीरो है, मतलब स्विच क्या हो गया आपका ऑफ, ऑफ है तो ये आपका जीरो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे B1 की वैल्यू 1 हुई तो ये ऑन बन जाएगा कि ये करंट है वो पार्टिसिपेट करेगी सिस्टम में, इस IF वाले सिस्टम में, ठीक है। तो यहां से IF की जगह आप लिख दोगे IS, और IS आप कैलकुलेट करोगे, IS into RF आपका बन जाएगा VF। तो यहां पे हमने देखा डिजिटल जो सिग्नल है उसको हमने वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अगेन एक एनालॉग सिस्टम है, एनालॉग सिग्नल है उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, मिलते हैं लेक्चर में नए लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बेटा जी।